हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल ऑसम वेब पर। गाइज, अगर आप भी धनी एप्लीकेशन यूज़ करते हो और आपने यहाँ से कार्ड अपना ऑर्डर कर लिया है और वह कार्ड आपके पास आ गया है, जी हाँ दोस्तों, तो कैसे आपको जो है यहाँ पर से एक्टिवेट करना है वो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए गाइज हम सीख लेते हैं ये कैसे आपको एक्टिवेट करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियोज डालूं आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए गाइज हम सीखते हैं कैसे अपने कार्ड को आपको जो है अपने एप्लीकेशन के साथ एक्टिवेट करना है। देख सकते हैं मैंने धनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, जी हाँ दोस्तों। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपका धनी अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा, यानी वहाँ पर आपका ब्लॉक हो गया, वैलेट ब्लॉक हो गया है, तो मैंने जस्ट उस पर एक वीडियोस बनाया कैसे जो है आप अपना अकाउंट, आप अपना जो है वैलेट अनब्लॉक कर सकते हैं। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है या आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको अपना प्रोफाइल को ओपन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपना प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी बैलेंस है वो शो होगा और नीचे आपके एक धनी पे कार्ड का जो है यह आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन कलर का एक आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइज बेसिकली कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पर से जो है आपका अपना फ़ोन नंबर डालना होता है और यहाँ पर सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप यहाँ से एक्टिवेट करते हो तो ये यहाँ पर से आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, आपका नाम भी यहाँ से आ जाएगा। आने के बाद गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्ड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्टिवेट नाउ का एक ऑप्शन आता है, तो उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एक एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो हमें क्या करना है एक्टिवेट पर क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है आपके पीछे यानी कार्ड का जो पीछे 16 अंक का जो डिजिट कोड है वो आपको डालना होगा, जैसे आपको यहाँ पर से दिखाया जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपना कार्ड का नंबर डाल दोगे उसके बाद यहाँ पर से आपको पिन जो है यहाँ पर से डालना होगा, तो हमें क्या करना है एक पिन बना लेना। चलिए यहाँ से मैं कोई सा भी एक यहाँ से पिन बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पर एक बार क्लिक करना है। फिर से आपको क्या करना है वही पिन जो है यहाँ पर से डालना है ताकि कंफर्म करना है। जैसे आप यहाँ से कंफर्म करोगे आपके फ़ोन पर जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है 6 अंक का डिजिट कोड आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, यह ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाई ले लेगा। तो यहाँ पर से आपने देख लिया, मेरे पास मैसेज भी आ गया कि योर जो है प्लास्टिक कार्ड इज एक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, आप जो उसका स्वाइप अप करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ मेरा यहाँ पर से आ गया। आप यहाँ से कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हो, यहाँ पर से अपना पिन जो है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साथ में यहाँ पर से क्रेडिट लाइन है उसके बारे में आप जान सकते हो, यहाँ पर से ट्रांसफर लिमिट के बारे में वो सारा कुछ आपको यहाँ पर से दिया है। तो इस तरह जो है आप बड़े ही आसानी से जो अपना कार्ड है उसको आप यहाँ पर से एक्टिवेट कर सकते हो, और एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा।